चलो जी, जो हुआ उस पे मिट्टी पाओ। अंत पहला तो सब पहला। अरे अंत अभी हुआ कहाँ है? अंत लाएंगे हम। इन दोनों ने प्रज्ञा को बदनाम किया है ना, इन दोनों का झूठ अभी के सामने लाएंगे। शुरुआत इन्होंने की है, खत्म हम ही करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत गलत किया है उन्होंने। इतनी घटिया हरकत की है, उसकी वजह से मैंने अपनी बच्ची पर शक किया। इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बार उनका पाला एक माँ से पड़ा और मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन हम कर भी क्या सकते? इन्हें आलिया के अगेंस्ट डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते कि ये तो आलिया से बहुत प्यार करते हैं, उनकी छोटी बहन है वो। ना हम इन्हें कोई पुरानी बात याद दिला सकते। हमें एक ऐसे सबूत की जरूरत है जो आलिया और तनु का सच भी सामने ले आए और जिसका कोई तोड़ भी ना हो उन दोनों के पास। ऐसा सबूत कहाँ से? ऐसा सबूत मिल सकता है जिसने आग लगाई है ना, पानी भी वही डालेगा। जिसने झूठ बोला है ना, सच भी वही बोलेगा। इसकी बात कर रही हो? उस डॉक्टर की। उस डॉक्टर ने ही टेस्ट किया था ना तेरा, झूठा टेस्ट। जब वो डॉक्टर आएगी ना, तो उस आलिया और तरुण का भांडा ही फूट जाएगा। रवि ने जब उसकी झूठी बात पर यकीन किया, तो उसकी सच्ची बात पर तो उसे यकीन करना ही पड़ेगा। ये सही है, चोर को ही सरकारी गवाह बना दो, केस खत्म। हाँ दादी, बात तो माँ की सही है। वो डॉक्टर अगर यहाँ आकर सच कहते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि माँ वो डॉक्टर यहाँ क्यों आएगी जब वो जानती है कि हम जानते वो गलत है। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे अपनी माँ पर विश्वास है ना, तो मैं उसे लेकर आऊंगी बेटा। मैंने सब कुछ बिगाड़ा है ना, तो सब कुछ ठीक भी मैं ही कर दूंगी। मैंने अभी से वादा लिया था कि वो हमेशा तेरे साथ रहेगा, और मैं चाहती हूँ वो हमेशा तेरे साथ रहे। इसीलिए मैं सच्चाई उसके सामने ला के रहूंगी। तू देखना, मैं जाऊंगी और उस डॉक्टर को लेकर आऊंगी। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलूँ। नहीं, तू आराम कर, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, सब कुछ बिगाड़ दिया ना मैंने, अब मैं ही संवारूंगी। मैं लेकर आती हूँ डॉक्टर को। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। और नहीं माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हो सत्या, तेरी शादी में इच्छा से